नितिन हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। नितिन बताएं इस वक्त क्या चल रहा है, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार की जो तैयारी है, जो प्रक्रिया है वो वहां शुरू हो चुकी है? देखिए बिल्कुल, देखिए जहां अंत्येष्टि हो रही है वहां पैर रखने की जगह नहीं है, हजारों हजार की तादाद में लोग वहां पहुंचे हुए हैं और ऐसे में कहा जाए पूरा जो जो एरिया है जहां अंत्येष्टि होनी है, अंतिम संस्कार होना है, वहां बड़ी संख्या में जो कहा जाए समर्थक पहुंचे हुए हैं। और इस समय मैं तस्वीरों में देख सकता हूं कि जो क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं मुलायम सिंह यादव, तो तीनों जो सेनाओं की तरफ से उनको रीति चक्र देकर उनको अंतिम सलामी दिया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और कोई भी डिफेंस मिनिस्टर रहता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि जब उस दुनिया से विदा होता है तो तीनों सेनाओं के तरफ से उनको अंतिम सलामी दी जाती है। इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और रीति चक्र अर्पित करके कहीं ना कहीं अपने पूर्व रक्षा मंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम दलों के नेताओं को मैं देख पा रहा हूँ, साध्वी निरंजन ज्योति जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, फतेहपुर से ताल्लुक रखती हैं वो पहुंची हुई हैं, अबू आजमी पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में जो पब्लिक है वो पहुंची हुई है, दिल रखने की जगह नहीं, आसपास की बिल्डिंगों पर लोग चढ़े हुए हैं, पूरी तरह से कहा जाए सिग्नल प्रॉब्लम यहाँ बनी हुई है, जैमर की वजह से तमाम जो कम्युनिकेशन है वो इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत में देखने को मिल रहा है। कुल मिला के कहा जाए मुलायम सिंह अमर रहे, धरती पुत्र अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम सिंह तेरा नाम रहेगा, ये तमाम चीजें कहा जाए ये इस समय पूरा आसमान इस समय गुंजायमान है। लगातार कहा जाए लोग अपने धरती पुत्र के लिए, अपने नेताजी के लिए जो जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं वो साफ सुनाई पड़ सकती है। तो इस समय कहा जाए हजारों की तादाद में अंतिम यात्रा पर जो नेताजी निकल चुके हैं वो देखिए मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ कि राकेश टिकैत भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए लगातार एक के बाद एक कहा जाए देश की राजनीतिक हस्तियां हों, सामाजिक हस्तियां हों, या कहा जाए किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हों, नौजवानों से जुड़े हुए लोग हों, आर्मी के तमाम अफसर हों, वो इस समय यहाँ पहुंचे हुए हैं जबरदस्त अपने नेता को अंतिम सलामी देने के लिए, जो कहा जाए एक झलक पाने के लिए, और अपने नेता को दुनिया में अंतिम विदा करने की जो भीड़ है वो देखते ही बन रही है। और इस समय की मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो इस समय कहा जाए वो रीति चक्र देकर सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, तो रक्षा मंत्री का ये प्रोटोकॉल है, क्या आपको रक्षा मंत्री का ये प्रोटोकॉल रहता है, जो भी डिफेंस मिनिस्टर होता है वो उसको जब इस दुनिया से जाते, जैसे अरुण जेटली की जब निधन हुआ था तब भी तीनों सेनाओं के जो अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने रीति चक्र दिया था। तो इस समय कहा जाए जो तमाम जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, लोग हर पल को अपने कैमरे में बेताब करते हुए नजर आ रहे हैं, और जबरदस्त कहा जाए जो नारेबाजी इस समय चल रही है, जबरदस्त कहा जाए पूरा जो कहा जाए सैफई का जो आसमान है वो नारों से गुंजायमान हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार अपने एक नेता, अपने धरती पुत्र की को अंतिम विदाई के लिए लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। लाखों लोग कल शाम से 4 बजे से लाखों लोग सैफई के सरजमीन पर लोग पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लेकर पूरे देश के तमाम अन्य जो अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसी दीवानी, ऐसी बेकरारी किसी भी लीडर के लिए कहा जाए मैंने तो नहीं पहले कहीं नहीं देखी। इतनी भीड़ कहा जाए इस समय सैफई में है, इसे कहा जा सकता है कि भूतों ना भविष्य थी, ना पहले कभी सैफई में हुई होगी और ना सैफई में कभी आगे होगी। जबरदस्त कहा जाए लोगों में क्रेज है, लोगों की आंखों में आंसू है, अश्रुधारा बह रही है, लोग जज्बाती हो रहे हैं। ये जज्बाती जो रिश्ते रहे हैं मुलायम सिंह यादव के साथ लोगों के, ये इस बात से अब साफ समझा जा सकता है कि कई लोगों का कहना है कि उनके भगवान चले गए, कई लोगों का कहना है कि पिता की तरह उनका मुलायम सिंह यादव का साया उठ गया। ये समझा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव से लोगों को किस तरह के इमोशनल रिलेशन रहे हैं, लोग सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लोग कहा जाए तमाम जो भावनाएं हैं वो लोगों की उकेर का सामने आ रही हैं। और इस समय पूरा जो प्रांगण है वो भर चुका है, लाख प्रशासन ने दावा किया कि आप दूर रहें, अंत्येष्टि स्थल से दूर रहें, जो मीडिया का स्टैंड बनाया गया है वहाँ सब पूरी तरह से लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जबरदस्त कहा जाए एक तरह से कहा जाए भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, लगातार लोग अपने नेता की अंतिम सलामी के लिए, अंतिम विदाई के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।